बारह ज्योतिर्लिंग की कथाएं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां आस्था और श्रद्धा का गहरा इतिहास है। यहां की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों की कथाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है और हर एक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है एक अद्वितीय और रोचक कथा। आइए जानते हैं इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं और उनके महत्व के बारे में। ज्योतिर्लिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी शिव का प्रतीक। यह लिंग भगवान शिव के शाश्वत और सर्वशक्तिमान रूप का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव की अनंत ज्योति की उपासना की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी कथा चंद्रमा यानी सोमदेव से संबंधित है। कहा जाता है कि चंद्रदेव यानी सोमदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, जिनमें रोहिणी उनकी सबसे प्रिय थी। इस कारण चंद्रदेव ने बाकी कन्याओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। यह देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वे दुर्बल हो जाएंगे। चंद्रदेव ने श्राप से बचने के लिए कई जगहों पर तपस्या की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और आशीर्वाद दिया कि वे मासिक रूप से घटेंगे और फिर बढ़ेंगे, यानी उनकी चमक फिर से लौट आएगी। इसी कारण से चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता है। यहाँ भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने नाम सोमनाथ से चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को तभी से चंद्रदेव के नाथ यानी सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और फिर से निर्मित हुआ। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हमलों में से एक महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारतीय राजाओं और भक्तों के प्रयासों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण बार बार किया गया। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर का जो रूप हम देखते हैं उसे 1951 में पुनर्निर्मित किया गया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। यह स्थान न केवल भगवान शिव के
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी उपासना यहाँ की जाती है। यहाँ भगवान शिव यानी मल्लिकार्जुन और माता पार्वती यानी मल्लिका के रूप में पूजे जाते हैं। इस पवित्र स्थल की यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। कहते हैं कि एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हो गया। माता पिता ने तय किया कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने अपनी माता पिता की तीन परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही संपूर्ण संसार है। इस प्रकार गणेश जी की बुद्धिमानी के कारण उनका विवाह पहले हो गया। जब भगवान कार्तिकेय को ये बात पता चली तो वे अत्यंत निराश और क्रोधित हो गए। उन्होंने माता पिता का घर छोड़ने का निर्णय लिया और क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र से मिलने के लिए पर्वत पर गए, लेकिन वे उन्हें मना नहीं पाए। अपने पुत्र के प्रति प्रेम से द्रवित होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने निर्णय लिया कि वे भी उसी पर्वत पर निवास करेंगे। तभी से इस स्थान को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाने लगा, जहाँ मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा का महत्व अद्वितीय है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीशैलम मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रीशैलम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। नर्मदा और कृष्णा नदियों के पास स्थित यह पर्वतीय क्षेत्र अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। भक्त जब यहाँ आते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक शांति के साथ प्रकृति की अनूठी झलक भी मिलती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव के महाकाल रूप की पूजा का केंद्र है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह मंदिर काल के स्वामी भगवान शिव के शाश्वत रूप का प्रतीक है। यहाँ शिव जी को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि और समय को नियंत्रित करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा उज्जैन में एक छोटे से बालक की भक्ति से जुड़ी है। कहते हैं कि उज्जैन में एक समय अत्याचारी राक्षसों का आतंक था, जो वहां के निवासियों को परेशान कर रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण परिवार के बालक ने भगवान शिव की गहन भक्ति शुरू की। उसकी तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए
और उसकी रक्षा करने के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया और बालक तथा उसके परिवार की रक्षा की। शिव जी की इस कृपा से उज्जैन नगरी के लोग सुरक्षित हो गए। इसी स्थान पर भगवान शिव ने महाकाल के रूप में स्थायी रूप से निवास किया और तभी से यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाने लगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान शिव की भस्म आरती प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन तड़के की जाती है। मान्यता है कि महाकाल की पूजा करने से मृत्यु और काल का भय समाप्त हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन से जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की अनंत कृपा का अनुभव करते हैं। उज्जैन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह स्थान कालचक्र का प्रतीक है और यहाँ स्थित महाबलेश्वर मंदिर काल के नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ मेला भी यहाँ के धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर एक विशेष द्वीप पर बना हुआ है, जिसका आकार पवित्र ओम के चिन्ह जैसा है। इस द्वीप का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के ओंकार रूप की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा प्राचीन काल की है। मान्यता है कि एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, ताकि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के समान शक्तिशाली बन सके। विंध्य पर्वत की तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अपने कार्य में सफल होगा। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को आशीर्वाद देकर वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने दो रूपों में दर्शन दिए, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। इसी कारण से यहाँ दो ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अनूठा है। यह स्थान ध्यान और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा करते हैं और जीवन में शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। ओंकारेश्वर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी मन मोह लेता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह स्थान पर्वतों और हरियाली से घिरा हुआ है, जो श्रद्धालुओं को एक शांतिपूर्ण और ध्यानमय वातावरण प्रदान करता है। यहाँ आने वाले भक्त न केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है, जहाँ वे केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं।
यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चार धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जहां हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा महाभारत के पांडवों से संबंधित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने किए गए पापों का पछतावा हुआ। अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने पांडवों से छुपने का निर्णय लिया और केदार के पहाड़ों में जाकर एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए केदार पहुंच गए। वहां उन्हें एक असामान्य बैल दिखा। भीम ने बैल को उसकी पूंछ से पकड़ लिया, लेकिन भगवान शिव ने उस क्षण अद्भुत लीला रची। बैल का सिर नेपाल के पशुपतिनाथ में और बाकी शरीर केदार में स्थापित हो गया। तभी से भगवान शिव यहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव के इस रूप को महादेव के अद्वितीय रूपों में से एक माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर न केवल पांडवों के पापों से मुक्ति की कथा से जुड़ा है, बल्कि यह उन भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कठिन परिस्थितियों में आस्था और भक्ति के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं। केदारनाथ की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव के प्रति आस्था से भरे श्रद्धालु इसे पूरे समर्पण के साथ करते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाली यह यात्रा मनुष्यों की आस्था और धैर्य की परीक्षा लेती है। नदियों, ग्लेशियरों और हरियालों के बीच बसे इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और सह्याद्री पर्वत की गोद में बसा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य शांति और आध्यात्मिकता का संगम है। भगवान शिव यहाँ भीमाशंकर के रूप में पूजे जाते हैं, जो उनके अद्वितीय शक्ति और करुणा का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक काल के राक्षस भीम और भगवान शिव की अद्भुत लीला से जुड़ी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का संबंध त्रेता युग से है। कहते हैं कि एक समय असुर भीम ने धरती पर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था। भीम राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था और उसने कठोर तपस्या करके असीम शक्तियां प्राप्त कर ली थी। अपनी शक्ति के घमंड में भीम ने देवताओं और ऋषियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उसकी क्रूरता से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी और उन्होंने भीम से युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने भीम का सामना किया और भीषण युद्ध के बाद भगवान शिव ने राक्षस भीम का संहार कर दिया। इस युद्ध के बाद भगवान शिव ने इसी स्थान पर निवास किया और तभी से वहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में
पूजे जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। यह स्थान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव से शक्ति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। भीमाशंकर का क्षेत्र केवल धार्मिक तीर्थ यात्रा का केंद्र नहीं है, बल्कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी मनमोहक है। सह्याद्रि की पहाड़ियों और भीमाशंकर अभयारण्य के आसपास का यह क्षेत्र विभिन्न वन जीवों और जैव विविधता का भी घर है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ प्रकृति की इस अद्भुत रचना का भी आनंद उठाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के हृदय में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सदियों से श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। इस पवित्र स्थल पर आने वाले भक्त मानते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में घूमने आए थे। भगवान शिव को काशी नगरी इतनी प्रिय थी कि उन्होंने यहाँ स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय किया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, यह नगरी मुझे इतनी प्रिय है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जो भी काशी में मेरा दर्शन करेगा उसे जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव की उपासना की थी। शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने काशी में निवास करने का निर्णय लिया और यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की उपासना से जीवन के सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अद्वितीय है। यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव मरते हुए व्यक्ति के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। काशी न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आध्यात्मिकता और संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ की गलियों से सदियों पुरानी धरोहर और परंपराएं जीवंत हैं। गंगा आरती, मंत्रों की गूंज और साधु संतों की तपस्या इस नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक विशेष बनाती है। काशी का यह वातावरण हर श्रद्धालु के मन को शांति और भक्ति से भर देता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ शिवलिंग में तीन ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक स्वरूप देखा जाता है। इसके अलावा यह वह स्थान है जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ऋषि गौतम और माता गोदावरी से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार त्र्यंब क्षेत्र में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे।
ऋषि गौतम ने यहाँ कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि उनके आश्रम में कभी अकाल न पड़े। भगवान शिव की कृपा से उनका आश्रम हमेशा अन्न और जल से भरा रहता था। लेकिन ऋषि गौतम की समृद्धि देखकर अन्य ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने षड्यंत्र रचकर गौतम ऋषि को गौहत्या के झूठे पाप में फंसा दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना पर गोदावरी नदी को प्रकट किया, जिससे गोहत्या के पाप का प्रायश्चित किया जा सके। भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी की धारा उत्पन्न की और स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। तभी से यह स्थान भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक बन गया है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों के समस्त पापों का नाश होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व असीम है। यह स्थान उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है जो भगवान शिव की कृपा और मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ गोदावरी नदी के उद्गम के कारण यह स्थल और भी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप जैसे विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह स्थान नासिक कुंभ मेले का भी केंद्र है, जो हर 12 साल में यहाँ आयोजित किया जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। इस मंदिर का स्थान झारखंड राज्य के देवघर में है। कथा के अनुसार एक बार रावण, जो लंका का राजा था, भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें एक विशेष रुद्राक्ष की माला भेंट की। भगवान शिव ने रावण से प्रसन्न होकर उन्हें एक ज्योतिर्लिंग देने का आश्वासन दिया। रावण ने शिवलिंग को अपनी जन्मभूमि लंका लाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह यात्रा कर रहा था, तब देवताओं ने उसे रोकने का निर्णय लिया। देवताओं ने एक चाल चली। उन्होंने एक ब्रह्मचारी को भेजा, जो रावण से कहता है कि वह समय पर शिवलिंग स्थापित नहीं कर पाएगा। रावण ने यह सुनकर शिवलिंग को एक जगह स्थापित करने का निश्चय किया। इसी दौरान जब वह यज्ञ कर रहा था, तब उसने उस शिवलिंग को जमीन पर रखा। यही कारण है कि इसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वैद्य का मतलब है चिकित्सक और नाथ का मतलब है स्वामी। इसका अर्थ है भगवान शिव, जो सभी रोगों का नाशक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में कई ग्रंथों में उल्लेख है। यह माना जाता है कि यहाँ आने से भक्तों को शांति और स्वास्थ्य मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारका के निकट स्थित है। यह पवित्र स्थल भगवान शिव के नाग रूप की महिमा को दर्शाता है। यह शिवलिंग के रूप में भगवान नागेश्वर की पूजा की जाती है,
जो सभी संकटों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग न केवल भक्तों के कष्टों को हरता है, बल्कि यह उन लोगों की भी रक्षा करता है जिन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के एक महान भक्त सुरवती और असुर राजा दरुक के बीच की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार दरुक एक शक्तिशाली असुर था जो अपनी राक्षसी सेना के साथ लोगों पर अत्याचार करता था। दरुक ने अपने असुरी बल का उपयोग कर लोगों को आतंकित किया और कई ऋषियों को बंदी बना लिया। दरुक ने अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया कि उसने ऋषियों को बंधक बना लिया और उन्हें अत्याचारों का शिकार बनाया। लेकिन ऋषियों में से एक शिव भक्त सुरवती ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से बचाएं। सुरवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर दरुक का अंत किया और अपने भक्तों को उसे अत्याचारों से मुक्त किया। तभी से इस स्थान को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाले समस्त संकटों का नाश होता है। यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान नागेश्वर की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह नागेश्वर रूप में शिवजी की पूजा विशेष रूप से नागों से जुड़े भय और रोगों से बचाने के लिए की जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नागेश्वर धाम की विशेषताएं यहाँ की वास्तुकला और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, जो भक्तों को शिव की महिमा का भव्य अनुभव कराती है। यह हर साल शिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान और उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ भगवान राम ने रावण का वध करने के पश्चात भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ के शिवलिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है राम द्वारा पूजित ईश्वर। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है और धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान राम और उनकी पत्नी सीता से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने मार्ग में आने वाले विशाल समुद्र को पार करने के लिए शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प किया। भगवान राम ने समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया और शिवजी की
आराधना की। भगवान राम ने अपने हाथों से रेत और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। भगवान शिव ने राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और लंका जाकर रावण का वध किया। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद भगवान शिव की विशेष पूजा की थी, क्योंकि रावण स्वयं शिव का महान भक्त था और शिव जी की शांति के लिए यह पूजा की थी, और इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर पड़ा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा से जीवन के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि रामेश्वरम का जल अत्यंत पवित्र है और यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त पहले समुद्र में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में जाकर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। रामेश्वरम में आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से यहाँ के तीर्थ कुंडों में स्नान करते हैं, जिनका धार्मिक महत्व अत्यधिक माना जाता है। इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य न केवल भगवान शिव की आराधना करना है, बल्कि भगवान राम की भक्ति को भी पुनर्जीवित करना है। रामेश्वरम के मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। यहाँ के लंबे गलियारे, विशाल गोपुरम और पुरानी शिल्पकला उसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बनाते हैं। यह मंदिर शिव भक्तों और राम भक्तों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ शिवरात्रि और अन्य त्योहारों के अवसर पर विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के निकट स्थित है। यह मंदिर दक्खन की स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में अत्यधिक पूजा जाता है। घृष्णेश्वर का अर्थ है घृष्णा द्वारा पूजित, और इस ज्योतिर्लिंग का नाम इसी महान भक्त के नाम पर पड़ा है, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक भक्त महिला घृष्णा अपने पति और परिवार के साथ इस क्षेत्र में रहती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रतिदिन 101 शिवलिंगों का निर्माण कर उनकी पूजा करती थी। घृष्णा के जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना करना था और वह पूरी श्रद्धा के साथ उनकी उपासना में लीन रहती थी। घृष्णा के परिवार में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन अचानक एक त्रासदी ने उसे घेर लिया। घृष्णा का एकमात्र पुत्र अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन घृष्णा का भगवान शिव पर विश्वास अड़िग था। उसने अपने पुत्र को शिवलिंग के पास ले जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। घृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उसके पुत्र को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने घृष्णा से कहा कि उसकी
सच्ची भक्ति के कारण वह इस स्थान पर हमेशा निवास करेंगे और तभी से यह स्थान घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यह भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त मानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि भगवान शिव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा न केवल आस्था की यात्रा है बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की कथा में एक ऐसा संदेश छुपा है जो हमें जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। इनकी कथाएं न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है बल्कि यह हमारी आत्मा और विश्वास को भी गहराई से जोड़ती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन पवित्र स्थलों की यात्रा से हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है।